दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ब्रश कर लिया मैं, फ्रेश होके आई, और उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज़ एवरीडे होती है कि कंकू लगाना। मुझे बहुत पसंद है कंकू लगाना, सो मैं एवरीडे लगाती हूँ। मैं उठ के थोड़ी देर खेल के फिर ब्रश करता हूँ। अच्छा, हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादू भाई। सो अभी पापा उठे, कल राजकोट गए थे, सो थोड़ा सा थकान होती है तो आज थोड़े से लेट उठे। सो पापा की सुबह स्टार्ट होती है पहले मंदिर प्रेयर। हाँ, आज सैटरडे है, सो हनुमान जी को याद करके पहले पापा प्रेयर करते हैं, फिर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। ब्रश करके चाय पी के, मैं तो चाय पीता हूँ, भारती नहीं पीती। सीधा ही आना होता है इस तरफ, मेरा होता है पहले दोनों घोड़ियों को पानी पिला के नया खाना डालना, क्योंकि रात से वो वेट करते रहते हैं। और दूसरे सारे एनिमल्स का हमारा पहला उठ के, मतलब इनको सबको पानी पिलाना, खाना वही होता है, और तीनों को मिल्किंग। और ओम की जीप यहाँ पे फंसी हुई है। ओम, तुमको इसके लिए हेल्प की जरूरत थी? हाँ, तुम्हारी जीप यहाँ पे फंसी हुई है क्या? ये मम्मी अभी यहाँ पे शिवानी की जो एक ये गद्दी है उसको स्टिचेस करे, थोड़ा सा में से टूट गई है इसलिए। पहले ना जब टीना को यहाँ से छोड़ते थे ना तो धीरे धीरे जाती थी, अब जब इसको खुला करते यहाँ से तो जोड़ के मम्मी के पास। उसको पहले तो गाइड करना पड़ता था, अभी वो खुद कर लेते। जब मुँह में आ गया फिर हमें उसको कुछ भी हेल्प देने की जरूरत नहीं है, जब तक वो खत्म हो जाएगा फिर दूसरा देते हैं। हम दूध डेयरी पे देते नहीं है तो बहुत ज़्यादा दूध इनफ होता है हमारे घर के लिए, तो टीना पहले अच्छी तरह से दूध पी ले पूरा, उसके बाद ही हम घर के लिए यूज़ के लिए दोते हैं। तो दो आंचल तो ये पूरे ख़त्म कर देती है, उसके बाद भी थोड़ा सा दूध पीती है और बाद का जो बचता है वो हम यूज़ करते हैं, तो ताकि जल्दी से बड़ी हो जाए। ऐसा इसको सॉफ्ट रहे इसलिए हम थोड़ा कचरा यहीं छोड़ देते, और ये स्लिपरी भी ना हो ज़्यादा। कुछ लोगों का है बोलना होता है कि आप मैट ले लो ये, लेकिन ये बेस्ट लग रहा है मुझे, और बहुत ही जल्द हमारे पशु फ्री होने वाले, तो इसको बांध के नहीं रखना आगे से, तो वो आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। अभी टीनू का मिल्किंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ऐसे में रामदेव कभी कभी कुछ और काम में होता है तो मैं अकेले कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब अगर फ्री होते हैं तो दोनों ही करते हैं, ताकि एक दूसरे को कुछ सपोर्ट भी मिल जाए और साथ पशुओं को भी पता चले। मैं भी आसपास में रहता हूँ, अगर होता हूँ मतलब फ्री होता हूँ
और टीलू की प्राइस के बारे में बहुत सारे सवाल थे टीलू के भी रहते हम बोल सकते हैं आपकी इसको आधी ही प्राइस में लाए हैं ऑलमोस्ट मेरे रिलेटिव में थी और जितना पैसा उन्होंने बोला मैंने बिना कम करवाए पूरा दे दिया तो 40,000 में ही लाए हम वैसे 1,00,000 तक प्राइस मानी जाएगी इसकी डेफिनेटली क्योंकि मिल्किंग बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है मिल्की वैसे अभी हम विषय देखेंगे कितना दूध मिलती है पूरे दिन का भी आपको बताएंगे और दूसरा कि ये बिल्कुल शांत है बाकी ये बहुत ही अच्छी गाय बिल्कुल प्योर गिर तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन मिक्स बोल सकते ये देसी थोड़ी सी है इसके सीन वगैरह और इसका सीन फेस प्रोफाइल और कान दूध के ऊपर है ज़्यादा लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल ही शांत बिल्कुल शांत और मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने इसको देखा था वैसे हमारी दोनों की बनती भी बहुत है और बहुत ही कॉमन दूसरी एक आती है आउट ऑफ गुजरात खास कि गिर की प्राइस हमें गिर गाय चाहिए पहले तो हम लोग या तो मैं ये करता नहीं हूँ कि आपको पैसे सीधा बाय करके दे दूँ अगर आपको चाहिए तो खास यहाँ आके देख के आप लेके जा सकते हो जहाँ भी बिकाऊ है दूसरी इसकी प्राइस 1,00,000-1,50,000 के आसपास चलती है अच्छी नस्ल की गिर गाय की और दूध कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है और गिर गाय का दूध बेस्ट माना जाता है रिवेस में तो क्यों बैठा तो पहला लास्ट टाइम फोटो में पार्टी यस ये पाली जा मस्ती है सो अभी मिल्किंग हो चुका है ये 5 लीटर का है हमारा जो पूरा भरा है उसमें बस थोड़ा सा ये हम दो आंचल देते टीना को पीने के लिए तो 2-3 लीटर हम पता नहीं कर सकते कितना होता है लेकिन टोटल आई थिंक 8 लीटर जितना होता होगा और इवनिंग को 6:30-7 इतना होता है लेकिन इसका दूध बहुत ही कोई कोई गायों का ना पतला होता है इसका बहुत ही ठीक है सो पता नहीं चलता कि ये बफेलो का दूध है या गाय का दूध है एंड ऑन ये दूध पीता है एंड स्ट्रॉन्ग बनता है सो गाय को जब हम दूध निकालते हैं तब आदत नहीं है साथ में खाने की तो सब दूध निकाल लेते हैं तो बाद में देते हैं तो ये है राजदान इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको जल्द ही बताएंगे ये है गेहूं का आटा और ये है मक्की का आटा जो बहुत ही पसंद है और ये जो ठीक हुआ होता है वो है जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं और यहाँ पे जो ये कपासिया हम यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा सा ही डाल रहे हैं मेन तो हम यही उसको ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं इन सबको मिक्स करके अभी वो वेट कर रही है कि जल्दी से दे दो खाना हाय हाय बाय अब दूध पीना है ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश मिल्क तो अभी जो कल का दूध होता है वो हम इवनिंग को जमाते हैं दही बनाते हैं और सुबह उसकी छाछ बनाते हैं ऐसा ही एवरीडे होता है फिर आज का दूध होता है उसकी छाछ कल बनाएंगे तो अभी मक्खन निकालने वाले हूँ ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है पता नहीं किसका मेरा 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 और रामदेव का और ओम का भी क्या खाए क्या ना खाए किससे चर्बी बढ़ेगी किससे क्या न्यूट्रिशन मिलेंगे मैंने या तो हमारे यहाँ ये होता ही नहीं है जो जी में आता है खाते हैं उसके बाद काम करके पूरी कैलोरी बर्न कर देते जैसे कि डॉक्टर कुछ डॉक्टर का कहना है कि कच्चा दूध नहीं खाना चाहिए या तो पीना नहीं चाहिए सीधा मतलब मिल्किंग करके उसको गर्म करके फिर यूज़ करना चाहिए हमारे यहाँ सालों से बहुत से मतलब ऑलमोस्ट सभी ऐसे ही दूध सीधा ही यूज़ करते खाने में या पीने में जो भी यूज़ है और किसी को कभी कुछ नहीं हुआ और जो सीधा दूध होता है दूध निकाल के सीधा पीने के भी बहुत सारे फायदे हैं एक दिन किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि ओम को सीधा दूध पिलाओ ओम तो वैसे भी पीता ही है हेड कटा बोलते और ये मक्खन येलो ही है शायद कैमरे में आपको थोड़ा सा वाइट लगेगा लेकिन जो भैंस का मक्खन निकलता है भैंस के दूध का वो वाइट होता है गाय का ऑलवेज थोड़ा सा येलो
पीला होता है। ये फ्रेश बटर मिल्क हमारे वर्कर को भी हम देते हैं और ख़ास करके गर्मियों में इसके बहुत ही फायदे हैं पीने में, लेकिन ये ताज़ी है तब तक ही पीना अच्छा है, उसके बाद ये दवाई में यूज होती है। हमारे टाइगर के लिए, लकी के लिए, क्योंकि उन दोनों को भी ताज़ा छाछ बहुत पसंद है, और छाछ और गौमूत्र मिक्स करके जो पुरानी छाछ होती है वो खेत में लगाते हैं। अभी यहाँ पर बन रही है करेले की सब्जी, उसके बाद बनेगी रोटी। तो सुबह सुबह ओम उठ के पहले पीता है एक दूध का ग्लास, इसलिए इतना रहता है पूरा दिन एनर्जी के साथ, है ना। तो हम ये दूध पिलाते हैं हमारे बच्चे को, आई मीन ओम को, तो बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि हमें पता है कि ये दूध मैंने निकाला है, मैंने गर्म किया है, मैं अभी ओम को पिला रही हूँ। एंड गाय को चारा भी हम डाल रहे हैं अच्छा वाला विदाउट केमिकल्स, तो जो भी हम ओम को खिला रहे हैं वो बहुत ही फ्रेश है, उसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है। तो ये एक सबसे प्राउड फील होता है हमें खुद को कि कुछ अच्छा कर रहे हैं हम हमारे बच्चे के लिए। मॉर्निंग रूटीन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम है खाना। इसके बिना मॉर्निंग रूटीन अधूरा है। अभी रामदेव जा रहा है बगोदर कुछ काम से, क्या काम से जा रहा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड मम्मी को जाना है गांव में, तो मम्मी भी जा रहे हैं साथ में, हमें भी जाने का मन है बगोदर, लेकिन आज नहीं जाएंगे, लक्की भाई के घर एक दो दिन में वापस जाएंगे।